विजयादशमी के मौके पर पीएम मोदी द्वारका में आयोजित श्री रामलीला सोसाइटी के 11वें भव्य रामलीला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यहां उन्होंने राम सीता और लक्ष्मण की आरती की। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं समस्त भारतवासियों को शक्ति उपासना पर्व नवरात्रि और विजय पर्व विजयादशमी की अनेकों अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। विजयादशमी का यह पर्व अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय और आवेश पर धैर्य की विजय का पर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला होगा। राम मंदिर में भगवान राम की विराजमानी को बस कुछ महीने बचे हैं। हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं और आईनेस विक्रांत और तेजस का निर्माण भी जानते हैं। हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। हम शक्ति पूजा का संकल्प भी जानते हैं और कोरोना में सर्वे संतु निरामया के मंत्र को भी करके दिखाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार हम विजयादशमी तब मना रहे हैं जब चंद्रमा पर हमारी विजय को 2 महीने पूरे हुए हैं। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा का भी विधान है। भारत की धरती पर शस्त्रों की पूजा किसी भूमि पर आधिपत्य नहीं बल्कि उसकी रक्षा के लिए की जाती है। पीएम ने कहा कि भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। पीएम ने अपील की कि रावण के दहन के रूप में बस एक पुतले का दहन ना करें, हर उस बुराई को समाप्त करें जो देश के सौहार्द को तोड़ती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए। हमें समाज में बुराइयों के भेदभाव के अंत का संकल्प करना चाहिए। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता से 10 प्रतिज्ञाएं लेने का भी अनुरोध किया, जिसमें पानी बचाएं, डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करें, गांव कस्बों में स्वच्छता को बढ़ावा दें, वोकल फॉर लोकल यानी भारत बने उत्पादों का उपयोग करें, खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद ना बनाएं, देश भर में घूमें और उसके बाद दुनिया में भ्रमण करें। किसानों को जैविक खेती के लिए भी जागरूक किया गया। बाजरा को हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और इससे किसानों को एक बढ़ावा मिलेगा। योग खेल फिटनेस को प्राथमिकता दें और 10वीं प्रतिज्ञा के तौर पर कहा कि हम कम से कम एक गरीब परिवार का समर्थन करें। इस दौरान इस तरह की 10 प्रतिज्ञाओं को पीएम मोदी ने समस्त देशवासियों को लेने का प्रोत्साहन किया। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।